हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सभी और मेरे चैनल का नाम है सभी लाइफस्टाइल। और आप कैसे हैं? और मैंने मिशो से मेकअप ब्रश मंगवाए थे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही अफोर्डेबल साइड में था ये ब्रश, तो अगर आप इंटरेस्टेड होगे इस ब्रश को लेने में, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं ब्रश के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चलिए देखते हैं कि मैंने ब्रश कैसे लिए हैं। लेट गेट स्टार्टेड। ये है मेकअप ब्रशेस का पाउच, आप देख सकते हैं इसने कितने अच्छे पाउच में ये दिया है ब्रश सी। और ये कितना अफोर्डेबल है, ये मुझे 272 में मिला है सी। और इसके इतने अच्छा पाउच में दिया है, तो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कि इसमें कितने ब्रशेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुझे इतने सारे ब्रश मिले हैं, 1 2 3 4 5 ब्रश मुझे फेस के मिले हैं, ठीक है। और 8 ब्रश मुझे आई के मिले हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि इससे क्या, इसके क्या यूजेज हैं। सबसे पहले ये फ्लफी सा ब्रश है, इसे आप पाउडर को सेट कर सकते हैं सी। ये सेकंड ब्रश है, ये भी है जैसे कि कंसीलर आपने लगाया तो उसको भी ऐसे पाउडर से सेट करने के लिए, ओके। उसके बाद ये जो ब्रश है इससे आप ब्लश लगा सकते हैं सी। और गाइज ये जो ब्रश है ये एंगल ब्रश साइड का, ये पर ये फ्लफी ब्रश, आप देख सकते हैं ये कंटूरिंग बहुत ही अच्छे से होगी सी। ऐसे कंटूरिंग के लिए आप नोज़ पे भी अच्छे से कर सकते हो, ओके। और ये आप देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा एंगल ब्रश, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल ब्रश की तरह नहीं है, ये थोड़ा सा एंगल में है, ठीक है। आप देख सकते हो ये क्या है गाइस, कि आप कंसीलर वगैरह ऐसे ऐसे टैप टैप करके लगा सकते हो सी, अपने आँख पे और अपने अंडर आई के नीचे, अंडर आई पे सॉरी सी। तो मैंने आपको बताया कि इन सब के यूजेस क्या हैं, ठीक है। ये 5 ब्रश जो है ये फेस के हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। और इतने कम प्राइस में आपको क्या ही मिलेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं इनके लिंक ज़रूर दे दूँ। आई ब्रशेज मिले हैं सी, इतने सारे हैं ना, तो मैं आपको सब एक एक करके बताती हूँ कि ये सब के क्या क्या यूजेज में आते हैं। सबसे पहले ये एंगल ब्रश है सी, इससे आप अपने आईब्रोज फिल कर सकते हैं। ये जितने भी एंगल ब्रश होते हैं आप देख सकते हो, ये आईब्रो फिल करने के लिए बहुत ही मस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें स्टैक का जो एरो बना रहता है इसे आपके आईब्रो बहुत अच्छे से फिल हो जाती है। और आप इसको पहले फ्रेम कर लीजिए फिर अंदर से फिल कर लीजिए, ये बहुत ही प्रेसाइज विंग बन जाते हैं। देख सकते हैं ये मुझे इन्होंने मुझे 2 दिए हैं, ओके। ये बड़े हैं ये छोटे हैं, तो ये दोनों यूज़ आपको आईब्रो फिल करने में हो जाएंगे। और आप चाहो तो इससे लोअर लैश लाइन पर भी आप ऐसे ऐसे स्मच कर सकते हो। मुझे मिला है 2 ब्लेंडिंग ब्रश सी, एक थोड़ा फ्लफी ब्रश है, थोड़ा बिग है, आप देख सकते हो इससे वो एरिया में आप ऐसे ऐसे अच्छे से लगा सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। और जिसके पास छोटी आई है तो इसके लिए ये छोटे सा है, आप देख सकते हो, ठीक है, ये इसका क्रीज है। अगर आपके पास आपकी बड़ी भी आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इसको अच्छे से क्रीज कर लीजिए फिर अंदर फिल कर लीजिए, आई फिर थोड़ा ब्लेंड थोड़ा सा मैसी हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। आप उसको अच्छे से ऐसे ऐसे ब्लेंड कर सकते हो, पतला सा है ये सी, आप देख सकते हो। ये मुझे जो 2 ब्रशेज मिले हैं ये कंसीलर और आई शैडो पैट करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये देखिए ये राउंड में है सी, और ये थोड़ा छोटा है और उससे थोड़ा ये बड़ा है, आप देख सकते हो। अक्सर क्या होता है हम फिंगर से लगाते हैं, क्योंकि फिंगर से जो है पिगमेंटेशन अच्छी आती है, तो अगर आपको पिगमेंटेशन चाहिए तो आप ब्रश पे सेटिंग स्प्रे कर स्प्रे लगा के फिर आप अपना आई शैडो लगाएंगे और फिर उसको आप ऐसे ऐसे आपको पैट करना है सी, तो ये बहुत अच्छे से आई शैडो लग जाएंगे। और गाइज और ये है इसका थोड़ा बड़ा साइज़ है, ये क्या होगा कि जब हम कट क्रीज करते हैं जो हम ऐसा कंसीलर लगाते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि हम इसको ऐसे से कंसीलर बहुत ही अच्छे से लग जाएगा, मैसी नहीं होगा सी। ऐसे ऐसे आप ये कंसीलर लगा सकते हैं। तो ये मुझे 2 शेड मिले हैं इसके। फिर गाइज ये है फ्लैट ब्रश, आप देख सकते हो ना ये फ्लैट है एकदम, ये फ्लैट ब्रश है जो हम आई शेडो लगाते हैं अपना लोअर लैश लाइन पे, उसको स्मच करने के लिए बहुत अच्छा है। आप उसको ऐसे ऐसे स्मच कर सकते हैं सी, ऐसे ऐसे। और इन सब के जो ब्रशेज हैं ना गाइस बहुत ही सॉफ्ट
अफोर्डेबल साइड में है, और उसके बाद भी इसके जो ब्रशेज है इतने स्मूथ हैं, मैं क्या ही बताऊँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने स्मूथ है, आप देख सकते हो ना, ये देखिए सी एकदम सॉफ्ट है, और इसमें कोई फॉल आउट भी नहीं है। ऐसा नहीं कि चीप ब्रशेज हैं तो बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें कोई फॉल आउट नहीं है, कोई फर निकल नहीं रहा है। सी मैं कितनी कस कस के इसको खींच रही हूँ, तभी कोई फर नहीं निकल रहा है। सो गाइज, आज का ये मेरा ट्यूटोरियल था ब्रश के ऊपर, जो मैंने फुल फेस ब्रश खरीदे थे 272 में। सी आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे ये ब्रश का हॉल, मेरा ये ब्रश अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में एक रेड कलर का बटन है, उसको हिट करके डबल क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलेगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।